नमस्कार। हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 14 से 32 के बीच में फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो थर्ड है और वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 और 13 के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, जिनकी कैटेगरी जो है वो 6 में डिवाइडेड है, पहले 7 में। तो हम फंडामेंटल राइट में एंट्री जब करेंगे 14 आर्टिकल 14 और इक्वलिटी और फ्रीडम वाले में, तो उसके पहले 12 समझ लेते हैं और 13 समझ लेते हैं। 12 समझने में 1 मिनट लगेगा, 13 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट पढ़े जाते हैं। कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर निगेटिव है। इनके क्लासिफिकेशन और ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। मगर कहा जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दीज। तो इसे यहाँ का स्टेट का क्या मतलब? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट क्या है। उसका टाइटल ही है डेफिनेशन। तो स्टेट क्या है, कैसे जानोगे कि स्टेट शैल नॉट, तो कब स्टेट ने कर दिया? तो इसके लिए आर्टिकल, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ना हो, आर्टिकल 12 कहता है तब तक स्टेट इंक्लूड्स यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, माने केंद्र की सरकार और संसद, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य की विधायिकाएं और राज्य की सरकार, एंड जो बाकी हैं एंड ऑल द अदर अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माने भारत राज क्षेत्र के अंदर या भारत सरकार के अधीन, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज। तो ये जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अदर अथॉरिटीज में कई बार केसेज आए हैं जिनमें डिफाइन करने की बताया गया है कि जहाँ हैवी सरकार का फाइनेंस लगा हो, सरकार के कंट्रोल में हो, या जिस तरीके से, तो अदर अथॉरिटीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये केवल 6 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, और प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर लीजिए कि व्हाट स्टेट इम्प्लाइज, तो आपको याद कर लेना है पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत राज क्षेत्र के अंदर है, सरकार के अंदर ना भी होंगे तो मान लिए जाएंगे, और भारत राज क्षेत्र के बाहर हैं और चाहे जिस देश में हो लेकिन भारत सरकार के अधीन होंगे तो वो राज्य में आ जाएंगे। तो जब कहा जाएगा राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो इसका मतलब होगा कि न संसद कानून बनाएगी, ना केंद्र की सरकार कोई आर्डर जारी करेगी, ना राज्य की विधायिका कोई कानून बनाएगी, ना राज्य की सरकार कोई कानून, मतलब एग्जीक्यूटिव उसको आर्डर देगा, और ना ही ऐसा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड कोई ऐसा कानून लगा दे। तो राज्य जहाँ कहा जाएगा तो वहाँ इसका मतलब हुआ कि ये राज्य है। तब आप जानोगे कि राज्य, जैसे आपसे कहा जाए कि जाइए, चले जाइए, जितने भी हर्बल जो हैं, हर्बल प्लांट्स हैं, उनकी पत्तियाँ चुन लाइए। अब आपको मालूम नहीं कि हर्बल क्या होता है, तो कैसे जानोगे, क्या चुन लाओगे? पेड़ आपके सामने से निकल गया, आपको मालूम ही नहीं चला कि हर्बल प्लांट था। ऐसे ही जब आपसे कहा जा रहा है, हर आर्टिकल में कहा जाता है कि स्टेट शैल नॉट, तो वो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट या स्टेट शैल नॉट, ये तो ये जब स्टेट बार बार कहा जाएगा, तो इससे ये भी ध्यान रखना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ कहीं भी आप पढ़ोगे कि स्टेट क्या कर सकता है, तो स्टेट का मतलब है ये सब। जहाँ कहा जाए पार्लियामेंट क्या कर सकता है, तो पार्लियामेंट का मतलब यूनियन लेजिस्लेचर। जहाँ कहा जाए कि विधायिका नहीं कर सकती है, लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, तो माने पार्लियामेंट और स्टेट। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त ध्यान रखें, जहाँ स्टेट लिखा होगा तो वहाँ एग्जीक्यूटिव भी आएगा, लेजिस्लेचर भी आएगा और कोई भी अदर अथॉरिटी है। ये आर्टिकल 12 है। इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है उनके लिए आप पढ़ते हो कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जुडिशरी को, स्पेशली लिखा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रहता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का गारंटर और प्रोटेक्टर है।
ये आपके मौलिक अधिकार का संरक्षक और अभिभावक है। तो ये जो गारंटर है, तो ये गारंटर टर्म कहाँ से आया? आर्टिकल 32 के तहत आया कि माने ऑल द सिटीजन हैव इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट यू हैव द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड टू राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड। ये गारंटीड है, तो जब गारंटीड है सुप्रीम कोर्ट जाना तो इसका मतलब वो गारंटर। तो सुप्रीम कोर्ट गारंटर है, ये उसको पावर मिलता कैसे? तो ये पावर मिलता है आर्टिकल 13 से, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो इस भाग में दिए गए प्रोविजंस को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें दो, इसमें जो आर्टिकल 13 है उसमें चार क्लाजेज हैं, 1, 2, 3, 4, तीन जो है उसके फिर सब क्लाजेज हैं ए बी, और जो चौथा क्लाज है वो 24th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो पहले जो दो इम्पॉर्टेंट क्लाज हैं 1 और 2, हम उनको समझ लेते हैं तो बाकी बातें। तो जो मौलिक अधिकार बनाए जा रहे थे, मौलिक अधिकार का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, हम लोग फंडामेंटल राइट की मांग कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट लाए जाएं, फिर हम कांग्रेस ने जो है वो नेहरू कमेटी से इसकी शुरुआत करने की कोशिश किया, फिर कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया और सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे। जब संविधान हमारा बना तो फंडामेंटल राइट हमने संविधान में डाल ली। अब इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना था तो इसके लिए आर्टिकल 13 लगा दिया गया। तो आर्टिकल 13 जो है न केवल कार्यपालिका से बल्कि विधायिका से भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, इसको ध्यान। और ना केवल संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया उसके बाद से विधायिका की रक्षा करता है, इसके पहले के जो कानून बने हैं किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी के द्वारा जो बनाए गए हुए कानून हैं उनसे भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके कि अब से रक्षा तो कर ही रहा है जब से संविधान लागू हुआ, पहले के बने हुए कानूनों से भी रक्षा करता है, इसके लिए आर्टिकल 13 में क्लास 1 और क्लास 2 है। तो पहला क्लास कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने सारे कानून लॉज इन फोर्स प्रवर्तन में जितने भी विधियां हैं वे लॉज इन फोर्स क्या होता है, आर्टिकल इसी आर्टिकल का क्लास 3 का सब क्लास बी जो है वो बताता है लॉ इनफोर्स का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी कानून किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था संविधान के पहले और उसे रिपील नहीं किया गया, भले वो किसी भाग में लगा हो ना लगा हो लेकिन एग्जिस्टेंस में है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है और समाप्त नहीं किया गया है, तो उसे लॉ इनफोर्स बोलेंगे। तो ऑल लॉज इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to the extension of inconsistency with this part of this constitution shall be void। तो ये इसमें कहा गया है कि सारे कानून जो संविधान लागू होने के ठीक पहले तक, संविधान लागू होने की तिथि क्या है 26 जनवरी 1950, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही पीछे आर्टिकल में दिया गया, तो वे सारी विधियां जो है उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक इस भाग में दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन करती है। तो टू द एक्सटेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, तो इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगता है जो अभी हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्लास कहता है स्टेट शैल नॉट मेक अ लॉ दैट टेक्स अवे और एब्रिज द राइट्स गिवन इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ एनी लॉ वायलेट द राइट्स गिवन इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन द लॉ शैल बी वॉइड। दूसरा कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ माने पार्लियामेंट केवल ये नहीं कि कानून नहीं बनाएगी या भारत सरकार ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी करेगी या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून नहीं बनाएगा, माने स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, अब देखिए आ गया तुरंत यहाँ पर 23-13 में कि तो स्टेट आप जान रहे हो कि स्टेट क्या है, 12 ने बता दिया। तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो एनी लॉ का, लॉ का मतलब क्या है, कानून नहीं, लॉ का मतलब जो है बाई रूल, रूल ऑर्डर ऑर्डिनेंस रेगुलेशन ये नोटिफिकेशन जितनी भी चीज़ें हैं ये इसमें आप जाएंगे आर्टिकल 13 के क्लास 3 के सब क्लास ए में वो 8 बातें लिखी हैं। आई एम द फोर्स ऑफ लॉ, प्राइवेट पर्सन्स का नहीं लेकिन जिसका फोर्स ऑफ लॉ होगा
ऐसे कोई भी विधि माने ऑर्डर होगा तब भी, रेगुलेशन होगा तब भी, नोटिफिकेशन होगा तब भी, बाय रूल होगा तब भी, यदि कोई ऐसा राज्य के द्वारा बनाया जाता है जो इस भाग में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जिस सीमा तक उल्लंघन करता है उस सीमा तक शून्य होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि 13 जो है वो फंडामेंटल राइट को अलग से इस बात का अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके। अब ये कर दिया तो कौन देखेगा? जुडिशरी देखे। माने पहले के कानून बने हैं उल्लंघन में है तो कौन देखेगा? अब से राज्य कोई कानून बना देगा तो कौन देखेगा? जुडिशरी देखेगा। तो यही आर्टिकल है जो सीधे सीधे हमारे यहाँ जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट देता है कि जब कानून बनाया जाएगा तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन में कोई चीज यदि बनती है तो उस कानून को उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस सीमा तक उल्लंघन में। तो ये अनुच्छेद 13 का क्लास 1 क्लास 2 हो गया। अब इसमें दो चीजें लागू होती हैं, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है और एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवर माने होता काट देना, अलग कर देना, ये इसको देहाती भाषा में कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेट कर लेना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के तहत क्या करते हैं कि जितना हिस्सा इसके उल्लंघन में होगा उतने हिस्से को अलग कर लेंगे और फिर उसको अलग करने के बाद उसको जो है वो वाइड कर लेंगे। अब ध्यान रखना है कि उसे वाइड करते, वाइड करने का मतलब होता है कि उसको अस्तित्व को खत्म नहीं करते। तो जो अलग किया गया वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है और जो उसको एक्लिप्स कर दिया गया, उसको साइडो कर दिया गया, वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी माने टू सेपरेट दैट मच पोर्शन विच इज इनकंसिस्टेंट विद दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस सेपरेशन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड देन द मेक दैट पोर्शन इन ऑपरेशनल, वाइड कर देना। चूंकि वो बना हुआ अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में है तो इसलिए उसको हम वाइड करते हैं, उसको हम खत्म नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर लोग इस बात को लापरवाही से बता देते हैं, इस बात के लिए आप सतर्क रहना कि क्लास 2 में जो लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वाइड, वाइड टर्म इसमें भी लिखा गया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लागू होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होगा। क्योंकि जो राज्य ने कानून बनाया और वो कानून आप न्यायालय में ले गए कि भाग के उल्लंघन में बना है, तो उसका जो हिस्सा न्यायालय ने कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है, गैर विधिक है, तो न्यायालय ने उसको गैर विधिक कर दिया, माने उसको कानून के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। तो जो अस्तित्व में ही नहीं आया, जैसे मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हुआ, अब अमेंडमेंट रिव्यू में चला गया, अब रिव्यू में चला गया और वहां न्यायालय कहता है कि अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरस, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी खत्म हो गई, उसका लॉ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब उसको सुरक्षित थोड़ो रख सकते हो तुम, वो कभी न्यायालय अपने वर्जन को बदल ले और बदलने के बाद फिर होगा तो आपको दोबारा कानून बनाना पड़ेगा, संसद दोबारा कानून बनाएगी। केशवानंद भारती के बेसिक फीचर के कॉन्सेप्ट के आने के बाद जितने भी कानूनों को, जितने भी अमेंडमेंट्स को, जैसे आर्टिकल 368 का क्लास 4 क्लास 5 है, या नेशनल जुडिशियल कमीशन का जो एक्ट पास कराया था एनडीए गवर्नमेंट ने, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्ट्रा वायरस कर दिया, मिनर्वा बिन्स के केस में जो अमेंडमेंट थे वायरस किए, तो ये जो वायरस किए गए हैं उनको आप दोबारा, अल्ट्रा वायरस हुए हैं उनको दोबारा आपको अस्तित्व में लाना पड़ेगा, वो अपने आप रिवाइव नहीं कर जाएंगे। तो अपने आप रिवाइव नहीं कर जाएंगे तो फिर उनको वाइड एक्लिप्स नहीं कह सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो, अच्छा दूसरा लैंग्वेज का आप ध्यान रखिए कि क्लास 1 में जो इस्तेमाल हो रही लैंग्वेज इनकंसिस्टेंसी हो रही, असंगत है, माने जो कानून पहले से बने हुए थे और मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, उनको असंगत कहा जा रहा है। लेकिन राज्य अब जो कानून बना देगा जब से संविधान लागू हो गया, तो उसको उल्लंघन कहा जा रहा, कंट्रावेंशन कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि अब तो बना बनाया कानून है, इसके आप उल्लंघन में कानून बना रहे हो, और पहले वाले कानून बने थे उनको क्या मालूम था कि फंडामेंटल राइट में आएगा, तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो आप मोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन कर लीजिए कि इनकंसिस्टेंट लॉज को हम सेवर करते हैं, अलग करते हैं और एक्लिप्स करते हैं, लेकिन कंट्रावेंशन में, माने ये तो आपकी बदतमीजी है कि आप संविधान के इसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन में कानून बना रहे हो, तो उसको सुरक्षित क्यों रखेगा? जब न्यायालय ने कह दिया कि अल्ट्रा वायरस है तो अल्ट्रा वायरस है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता, वो सुरक्षित नहीं रखा जाता। तो इन दो बातों का ध्यान रखें। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि पहले से, अच्छा इसमें जो डोमेन है वो फंडामेंटल राइट का बढ़ता जाता है,
तो आर्टिकल 13 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार दे देता है कि 32 के तहत जो आप जाते हो, तो उसके पहले 13 ने कह रखा है कि आप जो भी कानून के उल्लंघन में बनाओगे, मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाओगे, उसको हम कंट्रावेंशन मानेंगे और उसके यदि पूरा कानून कंट्रावेंशन में तो पूरे कानून। अच्छा, इसमें टेक्निकलिटी याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी लागू करते वक्त ये ध्यान रखिए कि इफ वन पार्ट विच इज इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, और इट इज इंट्वाइंड विद रेस्ट ऑफ द स्टेट्यूट इन सच ए फैशन दैट द सेपरेशन ऑफ इनवैलिड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्यूट इज नॉट पॉसिबल, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी कैन नॉट बी अप्लाइड। माने कोई कानून बनाया गया जिसका वो हिस्सा, जितना हिस्सा इसके उल्लंघन में है, उसको पूरी विधि से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग कर देने से विधि की के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा, तो पूरी विधि को ही फिर शून्य कर देना पड़ेगा, माने उसको अल्ट्रा वायरस कर देना पड़ेगा। तो इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू कैन अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी विद ऑल द स्टेट्यूट्स विच आर इनेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ द पोर्सन विच इज इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट्यूट, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी इज अप्लाइड। इफ द होल लॉ इज वूवन इन सच अ फैशन that one portion of the law cannot be separated from the rest of the law, then the whole law, it is mandatory that whole law should be declared ultra vires. तो ये बात हमने आपको बताई। अब इससे जुड़े हुए जो complications निकल करके आए हैं, उनके बारे में हम next video में आपके साथ discuss करेंगे। उसका भूमिका बता देते हैं। भूमिका ये है कि अब सवाल ये उठता है कि state shall not make any law. तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आता है कि नहीं आता? यदि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है अंडर आर्टिकल 368, तो माने बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट, माने यू कैन नॉट अमेंड दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि या तो एवरेज करेगा या टेक अवे करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इसको लेकर के कई सारे केसेज हुए, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर के सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, फिर इसके बाद केशवानंद भारती का केस है, मिनरवा मिल्स केस है, तमाम सारे केसेस, पामन राव का केस है, बहुत सारे केसेस बाद में आए जिन्होंने इस बात को देखा। तो हम अब केस के बारे में डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, और यहाँ केवल आपको इतना बता देते हैं कि जो जितने भी केसेज हैं, आपको एक सेकंड में, केवल 15 सेकंड लगेगा, उससे भी कम में आपको याद हो जाएगा कि आप ध्यान रखो, गोलकनाथ केस के पहले और बाद कोई ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो केवल आप गोलकनाथ को पकड़ के बैठ जाइए, द ओनली केस जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट इज नॉट अथराइज टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, ये गोलकनाथ केस वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है। इसके अलावा किसी केस में ऐसा नहीं कहा गया कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इनकी हिस्ट्री को लेकर के हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। थैंक यू।